हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही कम समय में एक सुंदर डिज़ाइन बनाना बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। यहाँ पर मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। इसकी लंबाई 13.5 इंच है, लेकिन इसको मैंने 15.5 इंच कट किया है, नीचे से फोल्ड करने के लिए तथा ऊपर से सिलाई के लिए। इसकी चौड़ाई मैंने 13 इंच ली है। चेस्ट साइज 44 इंच है। इसका शोल्डर मैंने 7 इंच पर कट किया है और आर्म होल 6 इंच पर। यहाँ पर हम नेक का निशान लगाएंगे। नेक की चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है और लंबाई 8.5 इंच। यहाँ पर भी हम 2.5 इंच पर एक निशान बना लेंगे और एक सीधी लाइन खींच लेंगे। यहाँ पर हम राउंड शेप दे देंगे। और इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। डिजाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। हम इसको इस तरह से डबल करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है। इसके एक सिरे को मैंने बंद कर दिया है। बंद वाले सिरे से हम किसी भी नुकीली चीज़ से इसको सीधा कर लेंगे। और प्रेस लगाकर इसको सेट कर लेंगे। यहाँ पर हमें 2-2 इंच छोटे पीसेस कट करने हैं। ये मैंने सारे पीसेस कट कर लिए हैं। इस तरह से इसको हम मोड़ते हुए इसके ऊपर लगाते जाएंगे। इस तरह से 1/2 इंच गैपिंग छोड़ते हुए सभी पीसेस को अटैच कर लेंगे। ये मैंने सारे पीसेस अटैच कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने ये रेप पट्टी ली है। इसको डबल फोल्ड करेंगे और इसकी किनारी पर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमें बंद वाली किनारी पर लगाना है। खुली साइड से हम इसको इस तरह से रखेंगे और पीछे की तरफ से ये हमारी सिलाई दिख रही है, इसी सिलाई पर हम सिलाई चलाएँगे। अब हमें इस कपड़े की कटिंग कर देनी है। आपको जितनी मोटी पाइपिंग दिखानी है उतना ही कपड़ा यहाँ पर रखना है और इस तरह से इसको फोल्ड करके इस किनारी पर हम सिलाई लगाएंगे। मैंने पाइपिंग बनाकर रेडी कर ली है। यहाँ पर मैंने ये डोरी ली है और इसके अंदर इस तरह से हम इसको फंसा लेंगे।
फिर मैंने सारे पीसेस में इसको फंसा लिया है और इसको बाहर की तरफ हल्का सा खींचकर यहाँ पर सुई धागे की मदद से इसको टांग देंगे और इसके ऊपर एक मोती लगा देंगे। यहाँ पर भी हम इसी तरह मोती लगा देंगे। ठीक इसी प्रकार हम पूरे नेक पर मोती लगा लेंगे। ये मैंने मोती लगा लिए हैं। ऊपर की तरफ ये मैंने डोरी भी लगा दी है। ये मैंने प्लेट्स भी बना लिए हैं। नीचे की तरफ हम तुरपाई कर लेंगे। इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय।